हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी लोग आ चुके हैं हम यहाँ पर एक और नई वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, ये वाली जो माइनक्राफ्ट की वीडियो है, इसको आने में थोड़ा सा लेट हो गया। अरे थोड़ा नहीं भाई, बहुत लेट हो गया। अरे हाँ भाई, सॉरी भाई, बहुत लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं यार, आ तो चुकी है ना ये वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को याद होगा कि माइनक्राफ्ट की पिछली वीडियो में हमने क्या कहते डोरेमोन भैया? अरे भाई, माइनक्राफ्ट की पिछली वीडियो में हमने अपने घर के सामने एक वीट का फार्म बनाया था और उसमें फार्मिंग करी थी। अरे हाँ हाँ भाई, याद है मुझे। हाँ मैं वो जरा मैं ऐसे थोड़ा सा भूल गया था। हाँ तो माइनक्राफ्ट की पिछली वीडियो में हमने करी थी वीट की फार्मिंग। तो गाइस चलो, मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि वो फार्म हमारा कैसा लग रहा है। और एक बार ये देखो, पीछे देखो, क्या मस्त विलेजर अपने अपने घरों में घुस रखे हैं। और गाइस ये देखो, ये हमारा प्यारा सा घर। और हाँ, हमने इसमें कुछ चेंजेस करे हैं। और ये देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ये डोर बना दिया है इसको। अब देखो, जैसे हम इसके ऊपर से जाएंगे ये अपने आप बंद हो जाएगा। अरे भाई, ये एक एक करके बंद क्यों हो रहा है ये? अबे एक ही खुल रहा है। हाँ ये दोनों खुल गए। और ये देखो, दोनों बंद हो गए। ये थोड़ा लेट हो रहे हैं क्योंकि इनमें जरा तेल की कमी है, इसमें ग्रीस लगाना पड़ेगा। और गाइस ये देखो, ये है हमारा चेस्ट रूम। इस वाली चेस्ट में हमने सारा फार्मिंग का सामान रखा है। यहाँ पर हमने लकड़ी का सामान रखा है, ये देखो क्लॉक वगैरह, सारा का सारा लकड़ी का सामान यहाँ पे रखा है हमने। और इस वाली चेस्ट में है कुछ भी नहीं, वो खाली है। इस वाली चेस्ट में हमने यहाँ पे स्टोन का सामान रखा हुआ है। और ये देखो, फ्लिंट एंड स्टील मिला था हमको पिछली बार। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि इससे हम आग लगा सकते हैं, लेकिन आग लगानी कहाँ पर है? और गाइस इस वाली चेस्ट में हमारा बाकी का जितना भी सामान है वो हमने सारा यहाँ पर रखा हुआ है। और ये वाली चेस्ट अभी खाली है। तो चलो हम अब आपको बाहर चल के दिखाते हैं। और गाइस हमने यहाँ पर भी ये देखो तीन फर्नेस लगाई है और इसके ऊपर तीन बैरल लगाए हैं। देखो, पहले वाले बैरल में आयरन इंगट, दूसरे बैरल में गोल्ड और तीसरे बैरल में खाना। यहाँ पे हम नीचे पकाएंगे ये सब, और जो जो पकता रहेगा वो हम ऊपर रखते रहेंगे, है ना? मस्त है ना? तो चलो ऊपर चल के देखते हैं। ये देखो, ये रही हमारी छत, और ये देखो ये रहा हमारा फार्म। भाई क्या मस्त लग रहा है ना हमारा फार्म, बहुत मेहनत लगी थी इसमें हमारे को। और इसके पीछे की साइड हमने एक बनाया था एनिमल फार्म, जिसमें यार अभी बहुत कम एनिमल है ये देखो। तो इसमें यार हम ब्रीडिंग वगैरह करा के एनिमल की तादाद बढ़ाएंगे। तब तक के लिए भाई नीचे चलते हैं और आज का जो हमें काम करना है उसकी शुरुआत करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो यार अभी हमारे पे हथियार बहुत ही बेकार हैं, तो उसके लिए हमें थोड़े तगड़े हथियार बनाने पड़ेंगे आज हम जो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो, ये हमने बना ली अपनी पहली आयरन पिकैक्स। ये मजा आ गया। अरे भाई, एक आयरन पिकैक्स में क्या मजा आ गया, ये तो कोई भी बना सकता है। अबे तू चुप कर ले मशाओ, तेरे को बहुत मारूंगा मैं, तेरे से कुछ आता जाता है नहीं और फालतू बोलता है। अरे भाई तुम चुप रहो भाई, लड़ क्यों रहे हो? तो गाइस यहाँ पर देखो, हमने सबसे पहले आयरन पिकैक्स बना ली है अपने लिए, और अब हम करने वाले हैं माइनिंग। अरे भाई शिंचन, लेकिन हम माइनिंग करेंगे कहाँ पर? कोई जगह सोची है तुमने माइनिंग करने के लिए? अरे हाँ हाँ, ये हमारे घर के सामने एक गड्ढा है ना, जहाँ पर से हमें पहली बार आयरन मिला था, इसके अंदर ही हम माइनिंग करेंगे। अरे हाँ यार, सही कहा तुमने, यहाँ पर स्टार्टिंग में इतना आयरन मिला था, नीचे जाके बहुत सारी चीजें मिल सकती है हमें। अरे नहीं यार, यहाँ मत जाओ प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है। अरे मशा, ये तो पागल है क्या भाई, नीचे जाने में तुझे इतना क्यों डर लग रहा है? अगर हम मर गए तो वापस से जिंदा तो हो जाएंगे ना? अरे बो ऐसे मत बोल यार, अगर हम मर गए तो वापस से जिंदा तो हो जाएंगे, पर हमारा सामान तो छूट जाएगा ना नीचे। अरे भाई यार, तुम ऐसी बातें मत करो, कोई भी नहीं मरेगा। चलो अब हम फटाफट से नीचे चलेंगे और वहाँ पर जाकर माइनिंग करेंगे। लेकिन यार उससे पहले, वैसे हम मर सकते हैं नीचे, तो एक काम करते हैं, एक बेड बना लेते हैं। तो उस बेड बनाने के लिए हमें चाहिए तीन शीप। ये देखो पहली शीप मिल गई, इसको मार दिया हमने, और ऐसे अब हमें दो और ढूंढनी है ताकि हम उससे बेड बना सके, और फिर उस बेड को हम नीचे केव में अपने साथ ले जाएंगे। तो गाइस ये देखो, यहाँ पर हमारे पे तीन वूल जमा हो चुका है। अब इसको हम ऐसे लगा देंगे, और यहाँ पर ये ओक लॉग है, इसको भी ऐसे लगा देंगे, और ये देखो हमारा बन गया बेड। अब इस बेड को हम अपने साथ नीचे ले जाएंगे और वहाँ पे अपना स्पॉन एरिया सेट कर देंगे, ताकि अगर हम मर जाएं तो वापस से वहीं जिंदा हो। और एक काम करते हैं, इसी के साथ साथ अपने लिए एक फर्नेस भी बना लेते हैं, वहाँ पे हमें मस्त मस्त सामान मिलेगा, तो उसे मेल्ट करने के लिए ये फर्नेस भी तो चाहिए होगा। अरे काम करते हैं भैया, एक ये क्राफ्टिंग टेबल भी बना लेते हैं। अरे हाँ सही कहा, चलो क्राफ्टिंग टेबल बना लिया हमने। और अब फटाफट से एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारा जो खाना है इसको यहाँ पकाने के लिए रख देते हैं, और जब तक ये पकता है तब तक थोड़ा इंतजार करते हैं, और इसके पकने के बाद फटाफट चलेंगे केव में।
तो गाइस ये देखो, ये रही वो हमारी केव। अब भाई हमें इसके अंदर जाना है। अरे यार संभाल के यार, कहीं हम मर ना जाए। अरे यार ये तो मसाओं में समझने की बातें करता है। चलो सिंचाई, चलो डोरेमोन भैया नीचे चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अरे भाई ये हमने क्या डर्ट लगा रखी है, इधर उधर नीचे कैसे जाएंगे। अरे भाई वो देखो यार, नीचे तो बहुत ही गहरा है। एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़े से टॉर्चेस लगा देते हैं, क्यों है ना। हाँ हाँ यार टॉर्चेस लगा दो भाई, टॉर्चेस से कम उजाला तो होगा। हाँ सही कहा, चलो यहाँ पर हमने एक टॉर्च लगा दिया है। अरे भाई साहब नीचे देखो कितना गहरा है। एक काम करते हैं यहाँ पर ये डर्ट लगाते हैं। अरे यार ये डर्ट तो लगी नहीं रही है यहाँ पर। अरे यार शिंचन ऐसे नहीं लगेगी डर्ट, हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें ये चारों तरफ का ये जो पत्थर है इनको तोड़ तोड़ के और रास्ता बना के नीचे जाना पड़ेगा। अरे यार डोरेमोन भैया सही कहा आपने, चलो नीचे चलते हैं अब ऐसे रास्ता बना बना के। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत सामान भी मिल जाएगा, कोल और आयरन वगैरह, उसको भी हम उठा लेंगे। हाँ सही कहा। अरे ये देखो यहाँ पर तो एक और केव है। अरे यहाँ पर तो लावा है। अरे लावा को छोड़ो, ऊपर देखो आयरन है। अरे यार तो लावा के पास गिर गया। चलो कोई बात नहीं, ये देखो हमने आयरन उठा लिया और यहाँ पर और आयरन है यार, क्या मस्त जगह है ये। अरे दोस्तों मैंने सुना है लावा के पास डायमंड मिलते हैं, क्या ये सच बात है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हमें डायमंड कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं। हाँ दोस्तों इससे हमारी बहुत मदद होगी, हमारे पास डायमंड हो जाएंगे बहुत सारे, उसके बाद हम अमीर हो जाएंगे। तो ये देखो ये रास्ता हमने यहाँ बंद करा और इधर की तरफ यार ये एक और केव आ गई है। और यार यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। चलो यार गाइस एक काम करते हैं, वापस चलते हैं यार, कहीं ये छोटी केव के चक्कर में हम बड़ी केव का रास्ता ना भूल जाएं। अरे हाँ भाई सही कहा। अरे यार लेकिन हम आए कहाँ से थे। अरे डोरेमोन भैया कहाँ से आए थे यार हम, ये नीचे केव है इधर। अरे किधर से आए थे हम। अरे वो देखो इधर से उजाला आ रहा है, यहीं से आए थे हम। हाँ सही कहा बोले, यहीं से आए थे हम। एक काम करते, अरे वो देखो ऊपर टॉर्च भी लगी है। एक काम करते हैं यहाँ पे ये सारे टॉर्च लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम यहाँ से नीचे आए थे। हाँ सही कहा तुमने। अरे और यहाँ देखो, यहाँ पर इतना सारा कोल भी पड़ा हुआ है, चलो फटाफट से सारे कोल को उठा लेते हैं। भाई अभी कोल की हमें बहुत जरूरत है यार, क्योंकि हमें खाना पकाना है, गोल्ड भी स्मेल्ट करना है और इन सब में कोल लगता है। फटाफट से एक काम करते हैं, ये सारा कोल उठा लेते हैं और इसके बाद नीचे चलेंगे और गुफा को एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस हमने वहाँ पर सारा कोल तोड़ लिया है और ये कोल तोड़ते तोड़ते हम इस साइड आ गए थे। और यहाँ देखो अब यहाँ पर हम नीचे जाने का रास्ता बना रहे हैं। और भैया कितने सारे पत्थर हैं यहाँ अलग अलग टाइप के। गाइस इन पत्थरों का कुछ काम भी होता है क्या, या फिर ये ऐसे ही है बस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो यार अब इस साइड हम रास्ता बना बना के नीचे चलेंगे। यार कितना मेहनत का काम है ये। और अरे भाई यार ये डर्ट के नीचे कुछ भी नहीं है, कहीं इसके ऊपर ना खड़े होकर तोड़ दें हम इसे, वरना नीचे गिर जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देखो भाई इतनी खतरनाक जगह है ये, यहाँ पर हम खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं और ये सारी जगह पार करके हम जा रहे हैं नीचे। अरे और वो नीचे देखो ये टकलू कहीं का हड्डी स्केलेटन हमारे भी नीचे से तीर चला रहा है। इसकी ऐसी की तैसी स्केलेटन, अगर मैं नीचे आ गया ना तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं बहुत मारूंगा तुझे, अभी मेरे को तीर मत मार। तो गाइस यहाँ पर यार बहुत मुश्किल से हम, अरे यार ये देखो हमारी एक एपी का एक्सपर्ट टूट गई। तो गाइस यहाँ पे बहुत मुश्किल से हम नीचे पहुँचने वाले हैं, और भाई नीचे चल के मर ना जाए वरना पोपट हो जाएगा हमारा। अरे अरे डोरेमोन भैया वो देखो नीचे क्या है, डायमंड्स। क्या ये डायमंड्स हैं दोस्तों। अरे वाह, अरे भाई हो रहे हैं भाई साहब, भाई बच गए हम भाई, बाल बाल। अब ये फट जाता ना हमारे मुंह पे क्रीपर तो पता चल। अरे भाई अरे ये मार रहा है यार, डायमंड तो लेने दे भाई मेरे, तेरी तो ऐसी तेजी स्केलेटन के बच्चे। अरे भाई भाई पीछे भागो पीछे। गाइस हमें यहाँ पर डायमंड मिले हैं भाई, गुफा में उतरते ही हमें स्केलेटन भी मिला, क्रीपर भी मिला और डायमंड भी मिला। भाई ये गुफा में एकदम मस्त एडवेंचर होने वाला है आज। ये देखो भाई साहब हमारे पे दो डायमंड हो गए हैं पूरे। अरे यार दो डायमंड, लेकिन वहाँ पे तो बहुत सारे डायमंड बने हुए थे ना। अरे थोड़े वही रह गए होंगे। चलो अरे ये देखो ये डायमंड तोड़ा हमने। अरे भाई उठा ले भाई, अबे यार मार देगा स्केलेटन, जल्दी उठा भाई डायमंड। भैया उठा लिया। अबे भाई स्केलेटन तेरी ऐसी की तैसी। भाई भाई पीछे भागो जल्दी भाई पीछे, इसको बाद में बताते हैं। हाँ भाई कहाँ है तू, इधर आ तू, तू बहुत चाचा बनना था, इधर आ तेरी ऐसी की तैसी। गाइस ये देखो इसको दिख नहीं रहा है हड्डी को, हमारे पास इतनी बड़ी शील्ड है, यार ये मरता क्यों नहीं है। अबे भाई क्या है, अमूल दूध पी के आया क्या। अरे गाइस भाई अबे ये क्या चीज है, ये लाल लाल सा क्या पत्थर है भाई। और यार ये देखो पीछे गोल्ड भी है, चलो फटाफट से ये गोल्ड तोड़ के जमा कर लेते हैं। और यहाँ पर ईद गाइस ये पता नहीं क्या चीज मिल रही है हमें यहाँ पर, चलो जो भी है हमने उठा लिया, अब बाहर चलते हैं। यार ये देखो यहाँ पर इतना सारा कोल भी है। तो गाइस फटाफट से सारा कोल उठाते हैं और आगे की तरफ चलेंगे इस गुफा को और एक्सप्लोर करने के लिए।
तो गाइस ये देखो हम इस साइड आए और भाई इस गुफा के अंदर इतना सारा कोल है ना, और कोल के साथ साथ ये लाल वाला पत्थर भी है। ये पता नहीं क्या चीज है, इससे क्या होता है, ये कोई डायमंड है क्या अलग तरीके का, पता नहीं क्या चीज है ये। और इधर चलते हैं भाई, ये देखो इतना सारा यहाँ पर कोल और है, और भाई साहब इधर की तरफ यार ये पूरा लावा लावा हो रखा है। और गाइस ये देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा आयरन है, ये आयरन हमको चाहिए। एक काम करते हैं यार, ये क्या हो गया, एक काम करते हैं यहाँ पे चारों तरफ पत्थर लगा देते हैं और फिर चल के ये आयरन उठा लेंगे। अरे यार एक आयरन के टुकड़े के लिए इतना क्या मर रहा है शिनचैन? भाई वो तुझे कुछ नहीं पता, बूंद बूंद से ही हमारी चेस्ट भरेगी आयरन की। तो चलो गाइस देखो हमने ये आयरन उठा लिया। अब भाई आगे की तरफ देखो यार, कितनी बड़ी गुफा है ये और एकदम अंधेरा है। यार आगे मत जाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। अरे ये लो भाई मसाओ, हमने यहाँ पर टॉर्च लगा दिए हैं पूरे। एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पीछे की तरफ टॉर्च लगा देते हैं ताकि पता चले हम कहाँ से आए थे। और ये देखो यहाँ पर हमें थोड़ा और आयरन मिल गया है। अरे वाह यहाँ पर तो बहुत सारा आयरन है, चलो फटाफट से आयरन तोड़ लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम ये आयरन तोड़ते तोड़ते इस साइड आ चुके हैं गुफा के अंदर। और भाई ये पता नहीं कैसे अजीब अजीब जानवर है यहाँ पर, चमगादड़ कभी कुछ, इतने सारे जानवर भाई भी है। ये चमगादड़ तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा माइनक्राफ्ट में। और गाइस ये देखो ये भाई ये कौन सी जगह है यार, अलग अलग तरीके के पत्थर है यहाँ पे। और ऐसे भाई ये देखो ये क्या बवंडर सा बन रखा है यहाँ पर, बवंडर आएगा बवंडर, बगड़ बम बम बगड़ बम। अरे भाई थारा भाई जोगिंदर की जगह क्या ये? अरे थारा भाई जोगिंदर को छोड़िए, देखिए कैसा जानवर है यहाँ पर, मारते हैं इसे, क्या पता हमें कुछ मिले इसको मारने से। तेरी तो अबे कुछ भी नहीं मिला इसे मारने से तो। अरे ये देखो एक और ऐसा जानवर। अरे यार बहुत, तुम उसे मत मार, उसे मार के कुछ नहीं मिलेगा, बेचारे को क्यों मार रहा है तू? अरे भाई ये ज्यादा बोल रहा है मसाओ, वो एक काम करते हैं इस मसाओ को कोने में लेकर आए, इस मसाओ को पेलते हैं हम दोनों। अरे नहीं नहीं सॉरी यार, अरे डोरेमोन भैया ये मुझे कोने में ले जाके पेलने की बात कर रहे हैं। अबे तेरी ऐसी की तैसी, ये जानवर कैसा है भाई, इसको मार के कुछ मिलेगा क्या? मारो 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 इसे। अरे यार कुछ भी नहीं मिला, एक्सपी मिली बस थोड़ी सी। गाइस ये पता नहीं कैसे कैसे जानवर है यहाँ गुफा के नीचे, मुझे लगता है यहाँ पर हमें और भी खतरनाक चीजें मिलने वाली है। और ये देखो ये क्या है, डायमंड है क्या ये? भाई पता नहीं क्या चीज है ये, चलो ये देखो एक और है, तोड़ लेते हैं इसे भी और देखते हैं क्या चीज थी। भाई इधर देखो लावा। अरे भाई शिनचैन उधर डायमंड है। अरे डायमंड है, किधर है डायमंड? अरे नीचे चलो नीचे नीचे। अरे नीचे तो लावा है यार डोरेमोन भैया। अरे भाई डायमंड है उधर, हाँ वो देखो वो है डायमंड। अरे वाह मजा आ गया, चलो एक काम करते हैं पहले यहाँ पत्थर लगा देते हैं, कहीं हम सीधा जाके लावा में ना गिर जाए। हाँ सही कहा तुमने, चलो अभी ऊपर का तोड़ देते हैं। और गाइस अब हम ये चारों तरफ का एरिया क्लियर कर देते हैं ताकि भाई पता चल जाए हमारे पे कितने सारे डायमंड्स हैं यहाँ पर, और भाई लावा में ना गिर जाए यार हम, उसके लिए भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा एरिया कवर करना पड़ेगा। चलो इधर की तरफ ऐसे पत्थर लगा के एरिया बना लेते हैं। और भाई ये देखो ये क्या चीज़ है यार, पता नहीं क्या ये, अलग अलग टाइप के पत्थर मिल रहे हैं हमको यहाँ पर, ये ब्लू वाला और डायमंड और रेड वाला, पता नहीं क्या ये। चलो सबके सब उठा लेते हैं, हमें जो भी मिल रहा है अच्छा ही होगा। तो अब ये देखो ये कोल भी है यहाँ थोड़ा, तो गाइस फटाफट से एक काम करते हैं हमें सारा एरिया क्लियर करते हैं, उसके बाद आराम से लास्ट में डायमंड तोड़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर हमें कितने डायमंड मिले हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो हमने ऊपर का एरिया क्लियर कर दिया है, और भाई साहब ये देखो एक दो तीन चार पाँच और ये छः, गाइस हमें छः डायमंड मिल गए हैं पूरे यहाँ पर। और ये देखिए हमने रास्ता बनाया था अभी। और क्या क्या लगता है तुम्हें सिंचन, यहाँ पे नीचे और भी डायमंड होंगे क्या? अरे भैया और भी डायमंड का तो पता नहीं, पर यह लावा बहुत सारा है, नीचे मत जाओ कहीं पता चल रहा है और डायमंड के चक्कर में जो हमको अभी मिले हैं ये भी खो जाए। अरे हाँ भाई सही कहा सिंचन ने, लालच बुरी भला है। वो देखो क्रीपर कहाँ घूम रहा है, वो एक क्रीपर इधर। अबे भाई अरे डोरेमोन भैया ये कब, भाई क्रीपर कब आके फट गया यहाँ? देखो सामने से एक और आ रहा है। अरे भाई ये गुफा तो भाई बहुत ही खतरनाक है, गाइस इधर आओ कोने में, फटाफट से खाना खा के अपनी हेल्थ बढ़ा लेते हैं। यार ये क्रीपर के बच्चे भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जा रहे हैं, आवाज भी नहीं आई। अबे ये देखो ये एक और है, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, आजा आजा इस आजा, तू लड़ हमसे तेरी। अबे अबे ये तो बड़ा ही बुद्धू क्रीपर था, एक ही बार में मर गया। चलो कोई बात नहीं गाइस, देखो यहाँ पर पीछे हमें और भी आयरन मिला है, फटाफट से ये आयरन उठा लेते हैं। और ये देखो ये कोल भी मिला है, कोल भी उठा लेते हैं। वैसे तो हमें इस गुफा के अंदर से बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन यार ये गुफा बहुत बड़ी है, हमें देखना पड़ेगा अभी और क्या क्या है।
तो गाइस यहाँ पर देखो, इधर की साइड हम आए हैं और यहाँ पर पूरा पानी पानी हो रखा था और हमने भी ये पानी रोका ना, तो उसके नीचे देखो हमें ये अलग तरीके का पत्थर मिला है। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये डर्ट का सारा तोड़ देते हैं और अब दिखाते हैं आपको। देखो ये भाई साहब पता नहीं कैसा अजीब तरीके का पत्थर है। हमने अभी गूगल पे देखा तो इसको तोड़ने के लिए हमें एक डायमंड पिकेक्स चाहिए होती है, तो फटाफट से हम एक डायमंड पिकेक्स बना लेते हैं। और ये हमारे 3 डायमंड यहाँ पर लगेंगे और 2 यहाँ पर, और ये देखो गाइस हमारी पहली डायमंड पिकेक्स। चलो अभी इसे तोड़ते हैं इससे। अरे भैया ये तो टूट ही नहीं रहा है, लगता है गूगल ने हमारा पागल बना दिया है। सिंचान तेरा पागल बन गया। अरे अरे नहीं बना तेरा पागल। हाँ बे मसाओ, क्या मैं बहुत बोल रहा था ना, तू देख अब मैं ये सारा तोड़ के जमा कर लूंगा और इसको अपने घर ले जाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमने बहुत सारा तोड़ लिया है ये, और यार बहुत सारा टाइम भी हमारा यहाँ पे लग गया, और तब तक के लिए मैंने यहाँ पे ये लगा रखा था फर्नेस में आयरन पिघलाने के लिए। और ये देखो भाई कितना सारा आयरन है हमारे पास, और अभी इसके बाद यार हमारे पे ये गोल्ड भी है, ये गोल्ड भी हमें यहाँ पर लगाना है। और भाई अभी हमारे पे एक ही फर्नेस है इसलिए एक ही में काम करना पड़ेगा। जब तक ये आयरन पिघलता है इसमें, तब तक एक काम करते हैं, हम इस गुफा में और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है, क्यों है ना डोरेमोन भैया। हाँ सही कहा सिंचन। तो देखो इस साइड तो हमने पूरा देख लिया, इधर लावा ही लावा है और यहाँ पे भी हमने डर्ट डूट लगा रखी है। इधर चलते हैं। और गाइस ये देखो यहाँ पर हमें थोड़ा और कोल मिला है, लेकिन उससे पहले गाइस ये देखो यहाँ पर हमारा आयरन बन चुका है, यहाँ पर गोल्ड लगा देते हैं पकाने के लिए। और गाइस यहाँ पे हमारे पे कोल तो बहुत सारा हो गया है इधर से। और भाई ये देखो इतने सारे हमारे पे फालतू के पत्थर पुत्थर भी जमा हो गए हैं। तो भाई अब ये गुफा बहुत बड़ी है यार, यहाँ पे बहुत सारा टाइम लगने वाला है अंदर माइनिंग करने में। तो सिंचन मैं क्या सोच रहा हूँ, एक काम करते हैं, जितना भी हमें कीमती सामान मिला है ना इसको ऊपर चल के रख लेते हैं, फिर भाई बाद में दोबारा माइनिंग करने आएंगे यहाँ पर किसी दिन, क्यों है ना। हाँ सही कहा डोरेमोन भैया आपने। तो गाइस ये देखो यार हम ऊपर जाने का रास्ता भूल गए थे, तो हम यहाँ पर अपना खुद का ही रास्ता बना रहे हैं। यार किधर है भाई ये रास्ता, यहाँ पर एक टॉर्च लगी थी यानी हम सही रास्ते पे। अरे वो देखो वो रहा बाहर जाने का रास्ता भाई। चलो अब वापिस हम अपने घर चलेंगे फाइनली, इस बार हम गुफा के अंदर से अमीर बनकर आए हैं। और भाई मजा आ गया भाई, इतना सारा सामान मिल गया तो हमें। चलो भाई मस्त एकदम सो जाते हैं, अब तो भाई इतनी मेहनत करी है हमने, और सुबह उठ के देखते हैं हमारे को क्या क्या सामान मिला है। वाह भाई फाइनली हम बाहर आ गए उस गुफा से, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे भाई तेरे से किसने पूछा मसाओ। तो गाइस यहाँ पर हम ये आयरन पकाने के लिए लगा देते हैं, और थोड़ा सा ये कोल भी यहाँ पर एक्स्ट्रा रख देते हैं, और यहाँ पर हम यहाँ रख देंगे ये थोड़ा कोल, और यहाँ पे खाना पकाएंगे, और इधर बीच वाले में भी थोड़ा कोल रख देते हैं, और यहाँ पर रख देते हैं हम गोल्ड पकाने के लिए। और ये खाना तो अभी हमारे पे पका हुआ है, सारा कुछ पकाने के लिए है नहीं, तो ये सारा कोल जमा कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पर हम जितना भी हमें कीमती सामान मिला है ना वो सारा रख देते हैं इधर। कहाँ रखें, एक काम करते हैं ये 2 खाली हैं, इस डब्बे में अपना सारा कीमती सामान रख देते हैं। सबसे पहले भाई डायमंड रख देते हैं उधर, और गाइस यहाँ पर ये गोल्ड हमारे पे आ गया था, गोल्ड को वापस से ये रख देते हैं। और अब यहाँ पर जितना भी हमारे पे कीमती सामान है वो रख देते हैं। ओ भाई ये देखो कितना सारा सामान है गाइस, हमें कुछ भी नहीं पता इसका यूज़ क्या है इन सब सामान का, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इन सब सामान से क्या होता है। हाँ यार सही कहा गाइस, आप जैसे जैसे बताएंगे हम वैसे ही करेंगे अगली बार, तो कमेंट करना मत भूलना। तो गाइस यहाँ पे देखो हमारे पे इतना सारा आयरन हो चुका है, तो ये देखो अब हमने अपने लिए आयरन के कपड़े बना लिए हैं, टोपी जूते, और एक काम करते हैं बनियान बना लेते हैं अपने लिए। अरे यार बनियान बनाने के लिए कम पड़ गया आयरन, ये थोड़ा सा और आयरन उठा लेते हैं, और अब बना लेते हैं अपने लिए बनियान। कहाँ गए भाई बनियान, और ये देखो बन गए हमारे बनियान। अब ये बनियान को हम पहन लेंगे, ये बनियान पहन ली, टोपी भी पहन ली और जूते भी पहन लिए। अरे यार चड्डी तो पहन लो। अरे भाई चड्डी पहनना नहीं पसंद अपन को, हम चड्डी गैंग के आदमी हैं, हम बिना चड्डी के घूमते हैं, मेरा मतलब बिना पैंट के घूमते हैं। तो दोस्तों ये देखो अब हम कितने अमीर हो गए हैं, हमारे पास इतना सारा सामान है, ऑब्सीडियन लैपिस लाजूली भाई पता नहीं क्या क्या है यार हमारे पास। तो अब देखते हैं इसका क्या करेंगे बाद में हम। लेकिन गाइस मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, हमको उस गुफा के अंदर से एकदम मस्त सामान मिला है, तो हम अब से उसी गुफा के अंदर माइनिंग करने जाया करेंगे, तो उसको एकदम बढ़िया बना देते हैं बाहर से रास्ता जाने के लिए। अरे हाँ सिंचन सही कहा, मैं भी यही सोच रहा था। एक काम करते हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, यहाँ पर सबसे पहले हम ये कॉबल स्टोन का स्टोन बना लेते हैं, और उसके बाद ये देखो ये स्टोन बन गए इतने सारे। अब इन स्टोन के नाम में ऐसे स्टोन ब्रिक्स बना लेंगे, और फिर इन स्टोन ब्रिक्स से अपनी जो हमारी गुफा है उसको चारों तरफ से सजा लेंगे, क्यों है ना। हाँ सही कहा भैया आपने। तो ये देखो सारे स्टोन को हमने स्टोन ब्रिक में बदल दिया है, और अब यहाँ पर हम आ चुके हैं बाहर, और
एक काम करते हैं, इस साइड से पूरा इसको तोड़ो, एक काम करो इस साइड से ये पूरी दीवार को ऐसे स्टोन की बना देते हैं और फिर, अरे यार ये क्या भाई गिर जा रहे हैं बार बार, और ये देखो ये वाली दीवार को पूरी ऐसे स्टोन की बना देते हैं और यहाँ पर हम एक एंट्रेंस भी बनाएंगे मस्त सा जिससे हम अंदर बाहर जा सकें। चलो फटाफट से काम करते हैं। तो गाइस ये देखो यहाँ पर हमने ये एंट्रेंस बनाई है अभी और चारों तरफ हमने दीवार भी खड़ी कर दी है और अब यहाँ से हम अंदर जाया करेंगे हमेशा माइनिंग करने के लिए, क्यों है ना डोरेमोन भैया? हाँ भाई सही कहा सिंचन। और अबे यार ये लुक खराब कर रहा है यहाँ का, तो एक काम करते हैं यहाँ पर भी ऐसा लगा देते हैं। तो गाइस जैसे हो गया ये, अब इसके चारों तरफ हमको ऐसे ऐसे करके पूरी दीवार बना देनी है और फिर हमारा ये मस्त बन जाएगा एकदम जगह। तो गाइस यहाँ पर देखो ये बस हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये हो गया। चलो अब आगे से चल के देखते हैं इसे कैसा लग रहा है ये। अरे कितना गंदा लग रहा है ये साइड का, इसे तोड़ो यहाँ पर, ये गंदा लग रहा है, ऐसा लग रहा है टेढ़ा हो रखा है वो। अरे यार क्यों तोड़ रहा है यार वो? अरे हाँ सही करा भाई बो ने, ये क्या ये क्यों तोड़ रहा है? अरे सॉरी गलती से टूट गया भाई। तो भाई ये गंदा लग रहा था, साइड से कुछ और करो यहाँ पर। अरे हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया आया वो, एक काम करते हैं जैसा हमने अपने घर की छत पे लगा रखे है ना ऐसे स्टेयर्स बना के, वैसी स्टेयर्स बना के यहाँ पर भी लगा देते हैं। अरे हाँ सही कहा, मैं लगाऊंगा। और ये देखो भाई तेरी ऐसी की तैसी मसाओ, तो हमेशा उल्टे काम करता है, चल भाग। तो ये देखो गाइस ऐसे करके लगाएंगे हम ये स्टेयर्स और इसको ऐसे चारों तरफ से लगा देते हैं, तब हमारी माइनिंग की जगह एकदम मस्त लगेगी। हाँ सही कहा, चलो लगा देते हैं। तो गाइस ये देखो ये फाइनल पीस भी यहाँ पे लग चुका है और ये देखो भाई अब क्या मस्त लग रही है हमारी गुफा। और एक काम करते हैं यार यहाँ पर टॉर्च लगा देते हैं। अबे यार टॉर्च कहाँ लगेगी? अबे यार लगी नहीं रही है टॉर्च। अरे ये देखो यहाँ पे लगेगी ये टॉर्च, चलो एक यहाँ पे भी लगा देते हैं और एक यहाँ पे भी। तो ये देखो चारों तरफ हमने टॉर्च लगा दी है और गाइस ये देखो क्या मस्त लग रहा है यहाँ पर। अरे यार एक कमी रह गई इसमें, एक मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है। चलो यहाँ पर चल के यार हमें ना एक वॉल बनानी पड़ेगी। अरे कैसी वॉल डोरेमोन भैया? अरे वो पत्थर की वॉल होती है ना, रुको। हाँ देखो ये यहाँ पर ऐसे करके अभी तरह हम ये कॉबल स्टोन लगा देंगे और ये देखो ये वॉल बना दी। अरे इस वॉल का क्या करोगे आप? अरे इस वॉल से ना इसको सजाएंगे आगे की तरफ से। ये देखो एक यहाँ लगा दिया एक यहाँ। अब यार ये गलत जगह लग गया, इसे तोड़ो यहाँ पर और इसको भी यहाँ पे तोड़ो और इस वॉल को यहाँ पर लगाओ। हाँ और अब एक काम करेंगे हम यहाँ से ऐसे अंदर जाएंगे। अरे एक काम करते हैं यहाँ पर ना ये टॉर्च भी लगा देते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। अरे यार ये गलत जगह लग गई टॉर्च, इसको हटाओ, एक टॉर्च यहाँ। और गाइस ये देखो भाई क्या मस्त एकदम शाही राजा की तरह बन गई है हमारी ये जगह। और यहाँ पर ये थोड़ा सा डर्ट लगा देते हैं और ये यहाँ पे झाड़ी हटा देते हैं भाई, गंदगी नहीं होनी चाहिए। और ये देखो गाइस मस्त लग रहा है ना। अरे वाह डोरेमोन भैया कितनी मस्त बन गई हमारी गुफा, अब हमें जब भी माइनिंग करनी होगी हम इसी के ही अंदर जाएंगे। हाँ सही कहा, अब मेरे को डर भी नहीं लग रहा है, इतने सारे टॉर्च लगे हैं यहाँ। अरे मोचा टूटो पागल है टूटो, हमेशा ही डरता है, देर से किसी ने नहीं पूछा। तो दोस्तों ये देखो अब हमने इतनी मस्त ये पे माइनिंग के लिए जगह बना दी है, अब हमको जब भी कुछ चाहिए होगा तो हम हमेशा यहाँ नीचे जाके माइनिंग किया करेंगे। तो और अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और यार चैनल को और भी वीडियोस के लिए कर दो सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अब हम आगे माइनक्राफ्ट में और क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।